ओ चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। जिस वक्त महासंकट से जूझ रहा है, उस बीच महानगरी मुंबई से दिल तोड़ने वाली खबर सामने आई। अपनी अदाकारी से जादू करने वाले अभिनेता इरफान खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। बुधवार को मुंबई के एक अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। इरफान के निधन की खबर सामने आने के बाद हर कोई अपना दुख व्यक्त कर रहा है। अमिताभ बच्चन, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अक्षय कुमार, अशोक गहलोत समेत देश की बड़ी बड़ी हस्तियों ने इरफान खान के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि इरफान खान के निधन की खबर सुन काफी दुख हुआ। वह एक शानदार अभिनेता थे जो वैश्विक स्तर पर भारत के ब्रांड एम्बेसडर थे। उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वहीं अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर लिखा कि इरफान खान के निधन की खबर मिली है, ये काफी दुखद खबर है। एक शानदार टैलेंट, शानदार सहकर्मी जिन्होंने सिनेमा की दुनिया में काफी योगदान दिया, वो आज हमें काफी जल्दी छोड़कर चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इरफान खान, भारतीय फिल्म अभिनेता, और वे बॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते थे। वे अपने हॉलीवुड फिल्मों में किए गए कामों की वजह से भी जाने जाते हैं। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर फिल्म पान सिंह तोमर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। दर्शक ऐसा मानते हैं कि वे अपनी आंखों से ही पूरा अभिनय कर देते हैं, और यही उनकी विशेषता भी थी। वे लीक से हटकर फिल्में करने की वजह से मशहूर हैं। इरफान खान का जन्म एक मुस्लिम परिवार में जयपुर में हुआ था। इरफान जब MA की पढ़ाई कर रहे थे, तभी उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप प्राप्त हुई थी। इरफान की शादी सुतापा सिकंदर से हुई, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हैं, बाबिल और आर्यना। उनके करियर की शुरुआत टेलीविजन सीरियल से हुई थी। अपने शुरुआती दिनों में वे चाणक्य, भारत एक खोज, चंद्रकांता जैसे धारावाहिकों में दिखाई दिए। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म सलाम बॉम्बे से एक छोटे से रोल से हुई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटे बड़े रोल किए, लेकिन असली पहचान उन्हें मकबूल, रोग, लाइफ इन मेट्रो, इस्लाम डाक, मिलेनियर, पान सिंह तोमर, दलन चबाग जैसी फिल्मों से मिली। कौन सा देश जहां तुम चले गए।